लोधी गार्डन भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पेड़ों की भिन्न प्रजातियों और सर्वोत्तम सुंदर फूलों के बगीचों के साथ ये गार्डन 90 एकड़ जमीन के ऊपर फैला हुआ है। लोधी गार्डन एक बहुत ही सुंदर पार्क होने के साथ साथ ही एक मशहूर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी है। इस पार्क के आपको मोहम्मद शाह की कब्र, सिकंदर लोदी के कब्र, शशि गुम्फा देखने के साथ साथ प्राकृतिक सजावट भी देखने को मिलेगा। यहाँ के भिन्न तरह की पक्षियों, सुंदर फूल और सुंदर सुंदर फूलों लोगों को बहुत ही आकर्षित करता है। यहाँ पर नज़दीकी नेशनल बोनसाई पार्क ही भी है, जिसमें ग्रीन हाउस है जहाँ पौधे को सुरक्षित करके रखा जाता है। शहर की दक्षिणी मध्य इलाके में बना यह सुंदर उद्यान दिल्ली के लवर्स पॉइंट भी कहा जाता है। हर कपिल के लिए ये जगह बहुत ही खास है। मोहम्मद शाह की कब्र रास्ते से ही दिखाई देता है और ये इस जगह का सबसे पहला आर्किटेक्चर है। सन 1444 में अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा ये मकबरा बनवाया गया था। इस गार्डन में आपको सिकंदर लोदी के कब्र भी देखने को मिलेगा, जो कि मोहम्मद शाह के कब्र के बाद सन 1517 में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा बनवाया गया था। बगीचे के बीच में ये बड़ा गुंबद वाला मकबरा भी है, जिसके पीछे एक मस्जिद है जो 1494 में पत्थर से बनवाया गया था। पहले 15 शतक के टाइम में इस समाधियों के आसपास एक गांव हुआ करता था, जहां पर लोदी वंश की लोग रहा करता था। बाद में 1936 में इसे गार्डन का रूप दिया गया था। तब इसे लोग लेडी विलिंग पार्क के नाम से जानता था, क्योंकि उस समय का भारतीय गवर्नर जनरल की पत्नी लेडी विलिंग डॉन के कहने पर ये पार्क बनवाया गया था। इसलिए इसे पार्क को उसके नाम के नाम में रखा गया है। लेकिन 1947 यानी इंडिपेंडेंस के बाद इस पार्क के पुराने नामों को हटाकर लोदी गार्डन रख दिया गया था। तब से ये गार्डन इस नाम से ही फेमस है। दिल्ली के लोगों के पास ये प्लेस एक आइडियल पिकनिक स्पॉट होने के साथ साथ ही सुबह के टाइम पे एक बहुत ही पॉपुलर योग केंद्र हो चुका है। खास करके आजकल ये जगह शूटिंग स्पॉट के लिए और प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत ही फेमस हो चुका है। ये थे सारी इन्फॉर्मेशन लोदी गार्डन के बारे में। अब दोस्तों आपकी बारी है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, तो जल्दी से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।